हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मेरे किचन में बन रहा है मुगलाई गोभी। उसके लिए मैंने गोभी काट के रखा है, गोभी काट लिया है, ये आलू काट लिया है मोटा मोटा, ये गाजर है, ये धनिया पत्ता है, इसको मैं फ्राई करूँगी, लहसुन अदरक, ये 1 इंची नारियल घिसा हुआ है, 1 टमाटर और ये 3 प्याज है। इन सबको हमको फ्राई कर लेना है। इसमें हमको डालना है इसी प्याज के साथ ये जीरा, ये दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 3 लौंग। इलायची का मुंह ऐसे खोल के डालिएगा, साबुत डालने से छिटक के आपका फेस जल सकता है। उसको भून के हमको पीस लेना है। इसमें मसाले जाएंगे, हल्दी, और ये मेरे मसाले तैयार किए हैं, उसमें सारा मसाला है, धनिया जीरा वगैरह, कसूरी मेथी और ये काली मिर्च का पाउडर। और मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है और इधर पानी और हल्दी, पानी में हल्दी और नमक डाल के हमने बॉईल किया है। इसमें हम आलू और गोभी को डाल देंगे और ध्यान रखिएगा कि दोनों आधा कच्चा उबालना है हमको, आधा पक जाए आधा कच्चा रहे, उबालना है। अब आपकी गोभी और आपके आलू कैसी पकती है इसी अनुसार से आप देख के निकालिएगा, क्योंकि मैंने अपनी बेटी को बताया ये रेसिपी, मेरी बेटी विशाखापट्टनम में रहती है, वहाँ की गोभी जल्दी गलती है और आलू लेट से, तो उसकी गोभी गल गई और आलू पकाने के चक्कर में तो सब्जी का टेस्ट खराब हो गया। अगर दोनों चीज़ ज़्यादा पक जाएंगे तो आपकी सब्जी की टेस्ट खराब हो जाएगी। ये मेरे प्याज भुन गए हैं, बस इतना ही भुनना है, देखिए ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का कच्चापन चला गया है। इसको मैं मिक्सी के जार में पीस के पेस्ट बना लूँगी और इसके साथ में टमाटर भी पीस लूँगी। ये मेरा आलू गोभी उबल गया है, देखिए हल्का हल्का कच्चा है, हल्का कच्चा है, हल्का पक्का है, बिल्कुल नहीं, ज़्यादा नहीं पका है। और ये गोभी देखिए, आप छू के देखिएगा तो हल्का हल्का कच्चा है। इस तरह से उबाल के रख के और इसको हमको पीस लेना है। ये देखिए हमने पीस लिए, जो मसाले भुने थे वो पीस लिए, प्याज वगैरह, उसी मिक्सी के जार में हमने टमाटर पीस लिए हैं। और ये मेरी कढ़ाई में तेल गर्म हो रही है और ये जो मैं डाली हुई हूँ इसको डालूँगी इसमें, कढ़ाई में ये मैंने डाल दिया, इसको ज़्यादा नहीं गलने देना है, इसी में मैं डाल दूँगी ये पेस्ट किए हुए मसाले। इसको अच्छे से हमें भून लेना है, इसी में मैं डाल दूँगी ये गाजर, धनिया पत्ता, ये 1/2 स्पून हल्दी, पूरा भर के 1 स्पून ये मसाले, इसमें धनिया जीरा सब है, थोड़ी सी गुलकी की ये पाउडर, थोड़ी सी ये कसूरी मेथी, इसको हम तेल छोड़ने तक भूलेंगे। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, नमक पहले कम डालिए, बाद में फिर कम रहेगा टेस्ट करके तो फिर डाल सकते हैं, अगर ज़्यादा हो गया तो कोई उपाय नहीं। इस सब्जी के साथ चावल, पराठा, रोटी, पूरी सब अच्छा लगता है, लेकिन इसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है गुड़ और आटे का पुआ। आटे में गुड़ मिला के जो पुआ बनाते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग बनाकर ये देखिएगा, टेस्ट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, तभी मैं अपने अनुभव आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी। आप लोग अपना प्यार दीजिए। ये देखिए मसाले अच्छे से भून गए हैं, तेल छूटने लगा है, अच्छे से भून गया, इसी में मैं पिसा हुआ टमाटर डाल के चला दूँ, थोड़ा सा इसको चला के फ्राई कर देंगे थोड़ी देर। ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, आप लोग को दिख रहा होगा ये तेल छोड़ने लगा है, और इसको मैं
मिक्सी में, जो मिक्सी के जार में सब चीज़ पीसे हैं उसी में मैंने पानी डाल के रखे हुए हैं। उस पानी को डाल देंगे। हमको कितना ग्रेवी चाहिए, किस कैसा आप खाते हैं ड्राई ग्रेवी, उस तरह से आप पानी रख लीजिए। और इसमें मैं ये गोभी डाल दूँगी, आलू गोभी जो बॉयल किए हुए हैं उसको मैं डाल दूँगी। इस तरह से मात्र 3 स्पून में ये 1/2 किलो गोभी और 1 पाव आलू की सब्जी बन गई। ये मैंने इतने डाले हैं। इसका ये पानी जल्दी सूख लेता है, ठीक हो जाता है जल्दी। थोड़ा सा पानी इसमें ज़्यादा डालना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा पानी और डालूँगी। जब ये खौलेगा तो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब मैं इसके इसको राइस और आटे के पुए के साथ सर्व करूँगी। ये देखिए, मैं आटे और गुड़ का पुआ बना रही हूँ। ये 100 ग्राम गुड़ में मैंने पानी डाल के इसको ऐसे पतला कर लिया है। बाद में मैं देखूंगी कि कितना पानी चाहिए। और इसमें मैंने 1 छोटी इलायची क्रश करके डाल दी है। और इस पे जो है हम डालेंगे 1 स्पून से आटा, स्पून से आटा डालेंगे और हाथ से मिलाएंगे। अगर हाथ से नहीं मिलाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसको हम हाथ से मिलाएंगे इस तरह से। सौ ग्राम गुड़ है, उसमें 100 ग्राम आटा भी लग चल जाएगा, गुड़ बराबर जाता है। फिर आप कैसा मीठा खाते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह के कंसिस्टेंसी के इस इतना हमने ठीक घोला है पुआ का। पुआ में आटा और गुड़, मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे पुआ तल के। आटे के पुए बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। ये देखिए, हमने सर्व किया है गोभी की सब्जी और ये पुए के साथ। आप लोग भी बनाकर खाकर और कमेंट में बताइए कि कैसा बना है। और मेरे से आप लोग किस चीज़ का रेसिपी देखना चाहते हैं वो कमेंट में बताइए।